गुमला में मॉब लिंचिंग का शिकार एक व्यक्ति हो गया। घटना जिले के बिमरला बॉक्साइट माइंस क्षेत्र की है। दरअसल शुक्रवार को यहां एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गांव के रहने वाले रामचंद्र उरांव पर लगाया गया, लेकिन घटना के घंटों बीतने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसी से नाराज ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। बाद में पहुंची पुलिस ने किसी तरह उसे आक्रोशित लोगों के चंगुल से छुड़ाया और इलाज के लिए अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घाघरा थाना अंतर्गत बिमरला पिकेट के पास एक गुंदरू गांव है, वहाँ पे परसों खादी उराव करके एक लड़का का मर्डर हुआ था। फिर हम बूढ़ी हम ला के पोस्टमार्टम करके हम लोग FIR रजिस्टर किया था। तो उसके बाद कल 11-12 बजे थाना प्रभारी को खबर मिला है कि उसी गांव का एक लड़का रामचंद्र नायक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत, मॉब लिंचिंग का शिकार जो है अपराधी को किया गया है और जनता ने ही न्याय कर दिया है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बता दो कि एक दिन पहले घाघरा थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात की घटना को अंजाम दिया था अज्ञात अपराधियों ने। एक 45 वर्षीय खादी उराव को गला काट करके हत्या कर दी थी, जिसमें जिसमें आरोपी ने ही आरोपी को ग्रामीणों ने पीट पीट करके हत्या किया है। जी, आरोपी को पीट पीट के मार डाला, वो बात समझ में आ रही है, लेकिन पुलिस वहां पर क्या कर रही थी जब आरोपी जो है वो सामने आ गया था, रामचंद्र उरांव जिस पर कि आरोप था, तो पुलिस ने उन्हें जो पुलिस है उसने गिरफ्त में क्यों नहीं लिया उसे, और इतनी देरी आखिर क्यों हुई, इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी बता दूं कि जिस क्षेत्र में घटना घटी है वो क्षेत्र पूरा नक्सल जोन है, और जिस समय घटना घटी थी उस समय नक्सली की होने की वहां पे सूचना थी, और पूरा इलाका में वहां पे नक्सली मौजूद थे, वहां पे उनका गतिविधि चल रहा था नक्सली का, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने सूचना दिया था, लेकिन पुलिस नक्सली की मूवमेंट को लेकर के वहां पे पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर से बता दें कि मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई, ये बात पूरी गुमला की बताई जा रही है, जहां पर आरोपी को जनता ने ही पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ये पूरा जो मामला है सामने निकलकर वहां से आ रहा है, और पुलिस ने कार्रवाई पे भी कहने से ये उनके अनुसार कि वहां पे नक्सली की होने के वजह से पुलिस जो है मौके पर नहीं पहुंच पाई और जनता ने इसमें पूरा इंसाफ कर दिया।